नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसटीपी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है मार्केट के बारे में, पहली बार घुसना चाह रहे हैं और डर लगता है, सुना है ना, सदियों से मार्केट म्यूचुअल फंड भाग जाता है, डूब जाता है, हरा जाता है, इस तरह से अभी तो लाइफ टाइम हाई है, अभी गिर जाएगा, गोता लगा देगा, ऐसे ऐसे चल रहा है, रोज़ टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सेंसेक्स पहले तो नहीं देखते थे, अब लगाना चाह रहे हैं तो रोज़ सेंसेक्स और मार्केट के बारे में जान रहे हैं। तो एसटीपी क्या होता है कि आप अपने पैसे को, बड़ा पैसा है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ है, उस पैसे को सेफ रख दिया, सेफ रख दिया, और थोड़ा छोटा सा नल खोल दिया वहाँ पे कि धीरे 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 पानी गिरेगा बूंद बूंद, और वो जो है छोटा छोटा ब्याज का पैसा जो मिलेगा, या थोड़ा सा मूलधन भी उसमें मिला होगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिस्क वाले एसेट में पैसा लगाएंगे। तो हमारा रिस्क जो है दिल का, धीरे 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 जो हमारे अंदर खोपड़ी के अंदर, मन के अंदर जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। एक बार में गोता नहीं लगाना चाहते हैं, धीरे धीरे पैर रखना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं एसटीपी। तो यहाँ पे देखते हैं एसटीपी के बारे में। तो फंड हमने लिया है सेफ, बड़े जैसा सेफ रखना पड़ेगा, तो फंड का नाम है SBI आर्बिट्रेज फंड। यहाँ पे एक बार 10 लाख रुपये लगा दिया, पिछला रिकॉर्ड है 6% का रिटर्न लगभग, वो सेफ सेफर सेफेस्ट वाला रिटर्न आपको 5-6% 7% उस टाइप से मिल गया। अब इस पैसे को झुकना शुरू करते हैं दूसरे जगह रिस्क वाले में। 10 लाख रुपये लगाया, लगा दिया पहली बार, फंड का नाम है SBI आर्बिट्रेज फंड, झोंक दिया यहाँ पे। अब वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके SBI स्मॉल कैप में, एकदम लंबा छलांग, धोनी की तरह चौवा छक्का मारने वाला फंड, एक दिन में 6% भी हो सकता है और एक दिन में -5 भी हो सकता है, इस तरह से फंड में लगाया, 10 लाख झोंक दिया और छोटा सा नल खोल दिया 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ का। तो 50 महीने में लगभग पैसा, ये टैंकी खाली हो जाएगा और दूसरे टैंकी में पानी भरेगा। तो कितना भरेगा ये देखते हैं, 5 साल ड्यूरेशन लिया है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, तो 5 ही लिया, आप 10 ले लीजिए 20 ले लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, पानी जब खाली हो जाएगा तो पता चला 2 साल में खाली हो गया, आप 10 लिख दीजिए उससे मतलब नहीं है, यहाँ खाली होना शुरू हो गया 20 हज़ार रुपये पर मंथ से। तो पहली बात, यहाँ पे आर्बिट्रेज फंड में पैसा झोंका, कब झोंका, 2018 में 10 लाख झोंक दिया, जब झोंका तो यहाँ से अब पैसा निकालना शुरू किया 20-20 हज़ार रुपया पर मंथ लेते गए, ये मूलधन कम होता गया। तो देखते हैं धीरे 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 कहीं पे तो खत्म होगा, नल खोल चुके हैं, टैंकी का पानी खाली होगा, ये हुआ खाली 0, कब, 4/2022, अप्रैल 2022 में खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो 10 लाख जब लगाए थे तो थोड़ा ब्याज वाला भी पैसा होगा ना, तो ब्याज का पैसा बच गया 1,23,000 रुपये बच गया। जो ब्याज का पैसा बचा तो वहां से 20-20 हज़ार रुपये लेंगे ना, 20-20 हज़ार रुपये लेना शुरू किया, आर्बिट्रेज फंड में 6% का रिटर्न दिया, तो मूलधन तो खत्म हो गया 20-20 हज़ार करके, लेकिन ब्याज का पैसा थोड़ा सा बचा तो कॉर्नर से वो भी पानी चूना शुरू हुआ, तो 20-20 हज़ार रुपये करके ये यहाँ तक खत्म हो गया, 1,20,000 था वो खत्म हो गया। अब लास्ट में बच गया 4,523 रुपया, बच गया वो वहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर तो 20 हज़ार का इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो थोड़ा 20 हज़ार से कम जो बचेगा वो बच जाएगा। अब खेल नया शुरू हुआ, SBI स्मॉल कैप में अगले महीने से, मार्च 2018 से, तब से 20 हज़ार निकला और SBI स्मॉल कैप में छलांग लगा दिया, ये चलना शुरू हुआ 20-20 हज़ार रुपये करके, 20, 40, 60, 80 ऐसे करके हुआ, और वैल्यू ये होना शुरू हुआ। तो देखते हैं ये खेल कहाँ रुकता है, सिस्टमेट्रिक ट्रांसफर प्लान इसको बोलते हैं। इस तरह से करके वो जो 10 लाख लगाए थे, 11,20,000 जमा हुआ और 20,22,000 हो गया, 10 लाख लगाए थे एक टैंकी में, लगाए दूसरे टैंकी में SBI स्मॉल कैप में देना शुरू किए, तो 20,22,000 हो गया, इकाई ढाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे भी कॉमा गलत जगह लगा है, क्योंकि जो हमारा वेबसाइट बना रहे हैं अंग्रेज लोग बना रहे हैं, तो कॉमा बाद में डलवाएंगे यहाँ पे, अभी तो ऐसे चल रहा है, अंडर प्रोसेस चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो लगाए कब थे और डबल हो गया, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत लगाए कब थे यहाँ देख लेते हैं, डेट कौन सा था शुरुआत, ये था मार्च 2018 से लेके अब तक लगभग 5 साल में वो पैसा डबल हो गया। तो सेफ सेफर सेफेस्ट भी चल रही है, थोड़ा सा डर भी मिट गया और जान भी गए कि क्या होता है म्यूचुअल फंड मार्केट। आपको इसी तरह
म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस तरह का कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछिए। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको लख लख बधाइयाँ, थैंक यू सो मच। आपको इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में और कुछ जानना है, कुछ फाइनेंशियल क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।